हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ कर रहे हैं डी आर अम्बेडकर बाबा साहेब का पोर्ट्रेट। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके, इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बीएन राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद।